गुड मॉर्निंग क्लास. वी वर स्टडिंग मेथड्स ऑफ सेपरेशन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सॉरी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. ओके, दीज टू मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड को वेपर से अलग करने के लिए मेथड यूज होता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. What is evaporation? The process of conversion of water into its vapor. Vapor kya hote hai? The word vapor means जब आपने कभी भी अपने घर में दूध को उबलते हुए देखा है, पानी जब हम बॉइल करते हैं, अगर उस बॉइलिंग वाटर के ऊपर आप क्लोज करने के बाद बर्नर एक लिड रख दो, ठीक है, लिड रख दो. जब आप लिड को हटाओगे, ये सब वस्तुओं को लिड रख के कवर रख दिया, जब आप लिड को हटाते हो तो ये जो ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर दी वेपर्स, ठीक है. ये जो छोटी छोटी बूंदे आपको दिखाई देती है, दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज दी वेपर्स. सी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन कॉल्ड क्या होता है, ये जो पानी है, ये जो जो भाप की तरह उड़ेगा, इसी को जो ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आएगा, ठीक है. पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है. जब ये बॉइल होगा तो इसमें से स्टीम निकलेगी. जब ये जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म. पानी से वेपर के चेंज होने के प्रोसेस को वी कॉल्ड इट एज इवेपोरेशन, ठीक है. देखो, हमने वी हैव टेकन एन एक्टिविटी, आपने हमें एक बीकर में वी हैव टेकन वाटर. दिस वाटर इज नॉट जस्ट अ प्योर वाटर, इट इज सॉल्टी वाटर. मतलब इस पानी में पानी नहीं, नमक भी मिला हुआ है. फिर हमने क्या किया, एक बर्नर लेके इस पानी को एक बीकर लेके वी आर ट्राइंग टू हीट दैट. ठीक है, आपने वी हैव टेकन अ वाटर इन दी बीकर. दिस वाटर इज नॉट जस्ट वाटर, इट इज दी सॉल्टी वाटर. नाउ आफ्टर टेकिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर, हीट द वाटर, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज दी फ्लेम. हम इस वाटर को हीट करेंगे. नेक्स्ट वी विल सी दैट जो ये जब पानी जो हीट हो जाएगा, वो सारा पानी वेपर्स के फॉर्म में धीरे धीरे इट विल स्लोली मूव. जब बचा रह जाएगा, बट वी गेट आफ्टर दिस प्रोसेस वी विल गेट सॉल्ट. जब पानी बॉइल हो चुका होगा तो हमें जो रेसिड्यू मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है. आप ये हमने सॉल्टी वाटर लिखा है. जब आप इसको हीट करोगे तो ये बॉइल होना शुरू होगा. बॉइल होने के बाद इसमें से आपको ये फ्लेम्स स्टीम्स दिखाई देंगे, ठीक है. दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज द स्टीम्स. ये जो व्हाइट फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये दीज आर स्टीम. फिर आप क्या करोगे, एक प्लेट लेना, यू विल टेक अ प्लेट और अ लिड. उस लिड में यू विल पुट सम आइस. ये क्या है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज आइस, ठीक है. इस आइस को ट्रे में डाल के यू विल कीप ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास. ग्लास के ऊपर आप अगर यू विल कीप दैट दिस लिड, तो जो इसमें डिपॉजिट होगी, जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स इस लिड में यहाँ पे आपको डिपॉजिट होते दिखाई देंगे. क्या करना है इस एक्टिविटी में, आई एम स्टेटिंग इट अगेन. यू हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ सॉल्टी वाटर, नमक मिला हुआ पानी लेना है. स्टार्ट वॉटर, कीप द वॉटर ऑन दी फ्लेम, ठीक है, फ्लेम के ऊपर, या सिंपली लो पानी को बॉइल कर लें, ठीक है. देन यू विल टेक अ प्लेट, पुट सम आइस ऑन दैट प्लेट एंड कीप दैट ट्रे नियर द माउथ या ओपनिंग ऑफ द ग्लास, ठीक है. जब आप ग्लास की ओपनिंग के पास यू विल कीप दिस प्लेट, यू विल फाइंड दैट जैसे जो भाप निकल रही है इसी, वो धीरे धीरे इस प्लेट पर डिपॉजिट होगी इन फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बूंदों के फॉर्म में. ये जो भाप है इस प्लेट पे, इट विल गेट डिपॉजिट. उसके बाद क्या होगा, जब ये जो स्टीम जो निकल रही है वो प्लेट पे डिपॉजिट होगी, क्योंकि वो वाटर फॉर्म में होगी, गैस से जो ये स्टीम है, ठीक है, इसको आप देख नहीं पाओगे, बस इसको आप फील कर पाओगे. कभी कभी जब मम्मी गरम गरम रोटियां देती है, ठीक है, तो रोटी के अंदर तो कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको खोलते हो तो आपको एक धुआं या स्टीम जैसा फील होता है, जिससे हमें हमारा बहुत तेज हाथ भी बर्न हो सकता है. वी कैन गेट बर्न्ड आल्सो बाय दैट फ्लेम. तो उसी को हम लोग स्टीम कहते हैं, ठीक है. ये जो निकल रही है वाइट जो दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टीम. नाउ इन दिस प्रोसेस वी आर डिपॉजिट
इसको यू विल पोर इनटू अनदर ग्लास. ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिल रहे हैं आपको इनको किसी दूसरी ग्लास में इस तरह से पोर करना है. ठीक है, ये ग्लास आपको दिख रही है, एवरीबॉडी कैन सी दिस ग्लास. ये जो भाप निकल के आई है हमने यहाँ पे एक प्लेट पे इसको डिपॉजिट किया. गैसेस फॉर्म से ये वाटर ड्रॉपलेट लिक्विड फॉर्म में है, उसके बाद हमने उसको एक दूसरे बीकर में डिपॉजिट कर लिया. नाउ इसके बाद क्या होगा, यही जो डिपॉजिशन का प्रोसेस होता है, जो कन्वर्जन, जो ये वेपर्स यहाँ पे जो भाप थी इसी को हम लोग वेपर्स बोलते हैं. यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ दीज आर कॉल्ड एज़ वेपर्स, उसी को जब हमने वाटर के फॉर्म में चेंज किया, यहाँ पे हमें भाप मिली, तो ये भाप मिली हमने यहाँ पे इकट्ठा किया, फिर हमने इसको यहाँ पे कलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में दिख रही है, यहाँ पे ये वाटर फॉर्म में दिख रही है. तो कन्वर्जन कैसे हुआ, वेपर्स का कन्वर्जन हुआ इन फॉर्म ऑफ वाटर. द वेपर हेयर इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ वाटर. तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू वाटर, वेपर्स से वाटर मिला, तो ये कन्वर्जन के प्रोसेस को ही व्हाट वी कॉल कंडेंसेशन. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. ठीक, यहाँ पे जो हो रहा था लिक्विड से जो भाप बन रही थी, दिस स्टेट वाज इवेपोरेशन, और जब यहाँ से ये वाला प्रोसेस हुआ तो वो क्या कहलाया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. एक बार फिर से देखिए, ये जो भी प्रोसेस है, दी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दे गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ होते हैं. सी, पहले हमने क्या लिया, इफ यू हैव टेकन अ बीकर, पुट सम सॉल्टी वाटर इन दैट, फिर आप उसको गर्म करोगे. ठीक है, जब ये गर्म किया तो जो ये पानी है ये भाप बन के उड़ रहा है. ठीक है, स्टीम बन के ऊपर हो रहा है. जब ये स्टीम बन के ऊपर होगा तो आप देखोगे जो पानी है उसका जो वॉल्यूम है, जितना हमने पानी लिया है धीरे धीरे वो कम हो रहा है. तो वो कम होके जा कहाँ रहा है, वो स्टीम के फॉर्म में ऊपर जा रहा है. तो जो ये कन्वर्जन हुआ वाटर से वेपर के फॉर्म में, इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन. यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, पानी से भाप बनने के प्रोसेस को इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. ठीक है, पानी से स्टीम बन रहा है, धीरे धीरे ये पानी हो जाएगा खत्म, तो दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. फिर एक दूसरा प्रोसेस भी हम देख रहे हैं कि जब हमने इस भाप को एक प्लेट में कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कलेक्ट किया, फिर उस भाप जो ये यहाँ पे कलेक्ट होगी, इट विल कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में कलेक्ट होगा. इन बूंदों को आप एक दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, यहाँ पे हमने वेपर्स को कन्वर्ट किया किसमें, वॉटर में. तो वेपर्स को जब व्हेन वी कन्वर्ट वेपर्स इनटू वाटर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, जब वाटर को वेपर में बदलते हैं तो वो इवेपोरेशन होता है. दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट है. व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. व्हेन वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. एरो मत भूलना, ठीक है, कीप इन माइंड दिस एरो. ये एरो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर्स इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू वाटर, ठीक है, एरो ही नीचे जा रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. कीप इन माइंड दैट दीज टू फैक्टर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर. इवेपोरेशन में जो होता है इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कंडेंसेशन का. इवेपोरेशन में वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, and in condensation the vapors get converted into water, don't get confused in these two processes. ठीक है, फिर से देख लो भाई, बहुत important processes and methods of separation. Evaporation, जो पानी हमने लिया था ये भाप में change हुआ है और धीरे धीरे इस पानी की quantity जो है कम हो रही है, तो this process is called as evaporation. And जो दो process है जिसमें ये vapors को हमने जब plate में collect किया उसको water form में change किया, that process is called as condensation. So evaporation mein water is changing into vapors and in condensation vapors are collected in form of water. This process is called as condensation. ठीक है? And the screen is not visible. Just a minute. अब दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am.
these two processes are opposite of each other, they go hand in hand. जब evaporation होगी तो condensation भी हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि evaporation में water gets converted into vapor and in condensation vapor gets converted into water. इसी process से by this process only we get salt, ठीक है? जो समंदर में sea water होता है, we get salt from that water through this process only, ठीक है? इस तरह से समुद्र में शैलो पिट्स, ठीक है, गहरे गहरे गड्ढे इस तरह से बना दिए जाते हैं. एंड वंस द रेज ऑफ सन फॉल ऑन दीज पिट्स, ठीक है, धीरे धीरे जब सन की रेज इस पे पड़ती है, तो ये सन की रेज कैसा काम कर रही है, जो फ्लेम्स आ रही है ये हीटिंग का काम कर रही है, ठीक है. जैसे नीचे हमने बर्नर लगा के हीटिंग की थी, जो ये सन की रेज है, सूर्य की जो गर्मी है, वो हीटिंग का काम कर रही है. ये जब शैलो पिट्स पे ये पड़ेगी रेज, तो धीरे धीरे Beta, it is coming. Check your network. ठीक है, when the flames of the sun will fall on these shallow pits, धीरे धीरे ये heat होके it will evaporate. ठीक है, इस तरह से vapors निकलेंगे. ठीक है, जब ये पूरी तरह से सूख जाएगी, when all the water in that shallow pit will get heated up, तो धीरे धीरे इस तरह से ये salt form में आ जाएंगे. ठीक है, सारा पानी जो यहाँ का है वो सूख चुका है. Why? Because the rays of sun is falling on the shallow pit. धीरे धीरे सारा पानी evaporate हो चुका है, जो बचा है, जो ये पार्ट है, ये लम्स ऑफ सॉल्ट है, ये सॉल्ट के जो टुकड़े हैं, ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, इन सॉल्ट के टुकड़ों में को वी कलेक्ट एंड देन वी कलेक्ट, ये सारे टुकड़ों को हम कलेक्ट कर लेते हैं. अनप्योरिफाइड मतलब ये जो सॉल्ट हमने समंदर से कलेक्ट किया वो इट इज नॉट प्योरिफाइड, इट इज नॉट गुड फॉर ईटिंग राइट नाउ. फिर ये सारा जो सॉल्ट समंदर से हमने कलेक्ट किया सी वाटर, इट गोज इनटू सॉल्ट प्योरिफिकेशन इंडस्ट्री. यहाँ पे मशीनरीज के थ्रू गेट्स प्योरिफाइड. उसके बाद जब हमें प्रोसेस फॉर्म में जो हमारे घर में सॉल्ट मिलता है, दैट इज दी रिफाइंड सॉल्ट, ठीक है, वो प्योरिफाइड हो जाता है. अनप्योरिफाइड सॉल्ट वी गेट वी कलेक्टेड फ्रॉम द सी वाटर एंड आफ्टर दैट इट गोज इनटू सॉल्ट प्योरिफिकेशन इंडस्ट्री. यहाँ से जो हमें निकल के मिलता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द रिफाइंड सॉल्ट व्हिच वी ईट, ठीक है. Okay. So this was all for the process of evaporation and condensation. Coming back to the chapter. देखो जो एक्टिविटी हमने वहां पे की थी, वो एक्टिविटी यहाँ पे भी बताई गई थी. अ बीकर कंटेन्स सम वाटर. यहाँ पे इस एक्टिविटी में, यहाँ टेक्स्ट बुक, देयर इज एन एक्टिविटी ऑन पेज 40 जो हमें इवेपोरेशन का प्रोसेस था, व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन, उसके बारे में बता रही है, ठीक है. इन दिस एक्टिविटी हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉइल. इफ यू कंटिन्यू रीचिंग पुट द वाटर टर्न इनटू स्टीम. इस एक्टिविटी में हमें ये कहा गया है, आप एक बीकर लीजिए, उसमें पानी डालिए, हीट, ठीक है, जब आप हीट करोगे तो पानी जो है वो इस तरह से वेपर्स के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में इस तरह से पानी निकलेगा, ठीक है. तो ये जो वाटर है वो किस फॉर्म में चेंज हुआ, वेपर्स के फॉर्म में. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, इवेपोरेशन. जब वेपर्स के फॉर्म में पानी चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को वी कॉल्ड इज दैट इवेपोरेशन, ठीक है. धीरे धीरे आप जब इसको हीट करोगे, यू विल फाइंड कि एक स्टेज आएगी जब पानी जो है पूरी तरह से हीट हो जाएगा, बीकर में कुछ भी पानी नहीं बचेगा, क्योंकि सारा जो पानी इट हैज इवेपोरेटेड इन द एयर, वो पूरा पानी खत्म हो चुका होगा. उसके बाद जो होगा, योर यूटेंसिल जो आपने रखा वो जल जाएगा, ठीक है. तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एज evaporation. The process takes place continuously wherever water is present. ठीक है, आप जब रेनी सीजन में देखते हो कि जो अपने घर के आसपास बहुत सारे पॉटहोल्स होते हैं, बहुत सारे गड्ढे होते हैं, when the rain falls, सारा पानी जो है इन गड्ढों में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है. और ये पानी कब तक नहीं सूखता, जब तक सन रेज उस पर नहीं पड़ती है, जब तक धूप नहीं निकलती, you will see that जो पानी है it remains as it is in the potholes या जो भी गड्ढे हैं. जैसे ही सन निकलता है, जब सनरेज इस पे पड़ती है, धीरे धीरे आप देखते हो आप ये पानी जो है वो सूख चुका है. अब या तो इस पानी को कोई निकाल के क्लीन करता होगा, ठीक है, दैट यूजुअली डज नॉट हैपन, ये पानी अपने आप ही सूखता है. तो किस प्रोसेस से ये पानी सूखता है, ठीक है, तो ये
Uttar. Where you think salt comes from? Sea water contains many salts mixed in it. हमने अभी sea water का example देखा कि जो समुद्र होता है उसमें समुद्र pits, shallow pits वहाँ पे बना दी जाती है और उन pits पे जब sun rays पड़ती है तो वहाँ पे जो पानी रहता है it gets evaporated, leaving behind the soil, salt particles. ठीक है, एक crumble जो होता है salt का that gets left behind. उसके बाद हम उसको salt industry में ले जाते हैं for purification process. ठीक है, जो पिट्स हमने पीपीटी में देखी थी वो पिट्स हमें यहाँ भी दिख रही है. समुद्र के शोर के ऐसे पिट्स बना दी जाती है जब वंस द सन रेज फॉल ऑन दिस पिट द वाटर हैज गेट इवेपोरेटेड लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट. फिर इस सॉल्ट को उठा के हम लोग सॉल्ट प्योरिफिकेशन इंडस्ट्री में ले जाते हैं वेयर इट गेट्स रिफाइंड एंड देन इट इज एबल टू देन वी आर एबल टू ड्रिंक हैव द सॉल्ट. ठीक है, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस from their mixture, one method of separation. ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक method separation का is not enough to get the pure substance. फिर हम क्या करते हैं? We carry out another methods of separation. ठीक? In the next activity, that is activity 7 on page number 41, we have taken a mixture of sand and salt. हमने sand और salt का एक mixture लिया. How we will separate this? अब हम sand को salt से कैसे mix करेंगे? क्योंकि जो सैंड है उसके the particles of sand are very minute and the particles of salt are equally minute as the particles of sand. दोनों के particles are equally minute. दोनों के जो particles का size ही वो almost same है. तो by hand picking method या by winnowing method we cannot separate these two. ठीक है, how will we separate these? We already saw that hand picking would not be a practical method of separating this. ठीक है, suppose hand picking method हमने तब use किया था when we have to clean the rice, jo impurities thi, they were visible to us and they can be picked by the hands. But sand and salt ka jo mixture hai, the mixture is very homogeneous. Matlab ek jaisa mixture hai, homogeneous matlab ek jaisa. Theek hai, sand or salt, they are what? They are homogeneous. The mixture of sand and salt is quite similar. So we cannot use the method of hand picking to clean the impurities of this material. So what will we do? We will keep this mixture in a beaker and add some water to it. We will take a beaker. Beaker is a glass-like substance. It has certain measurements written over it. So we will keep mix that mixture and keep it in the beaker. Do you see that sand settling down at the bottom? हम क्या करेंगे? We will take that beaker, put the mixture of sand and salt, keep that mixture aside for quite some time. Then after some time, you will see that जो impurities of sand है, ठीक है, it will get settled to the bottom. The sand can be separated by decantation and filtration. ये मेथड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है, जब आप इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हो एंड यू कीप दैट मिक्सचर असाइड फॉर क्वाइट सम टाइम, धीरे धीरे आप इस ग्लास को अनटच छोड़ दो. ठीक है, व्हाट यू विल सी, जो इम्प्योरिटीज हैं जो हैवी होंगी इन साइज, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लास. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. फिर आप क्या करोगे, यू विल पोर द वाटर ऑफ दिस ग्लास इनटू अनदर ग्लास. दूसरे ग्लास में आप जो ऊपर का पानी बचा है आप उसको पोर करोगे. That process will called as decantation. So, इसमें हमने देखा कि हमने more than one method use किया for the process of separation. ठीक है? Now, take a method. जो हमने दूसरी activity अपनी PPT में देखी थी, वही activity यहाँ पे भी करके बताया कि यहाँ पे flames की जगह एक kettle use किया गया, चाय की चाय हम लोग इसमें usually भी prepare tea in that. इसको जब हम heat कर रहे हैं और हमने इसकी लिड पे ऊपर आइस रखी है और यहाँ जहाँ से इसके फ्लेम्स निकल रहे हैं, स्टीम्स निकल रही है, आप एक बर्तन रखो या एक थाली जो भी, व्हाटएवर इज कन्वीनिएंट टू यू, आप उसको रखो. जब इसके वेपर यहाँ पे कलेक्ट होंगे, जब वो ड्रॉपलेट वेपर्स किस फॉर्म में जाके यहाँ पे चिपकेंगे, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होंगे. ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे गेट कलेक्टेड इन द ग्लास. तो यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ? जो वेपर्स थे वो वाटर के फॉर्म में चेंज हुआ. जो वेपर्स हमें मिले थे वो अगेन चेंज हो गए वाटर के फॉर्म में. तो यहाँ पे प्रोसेस जो हुआ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. ठीक है, यहाँ की जो फर्स्ट प्रोसेस था, जब हमारी पानी जो है वो को जब हमने बॉइल किया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, दैट प्रोसेस वाज इवेपोरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन. ठीक है, सो आई होप बोथ द प्रोसेसेस आर वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी the another part of this chapter.